अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार करीब को खुश आमदीद कहता है। सऊदी अरबिया की अहम तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सऊदी अरबिया में कोरोना के 4000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। इसकी तफसील की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, और साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरेबिया में कोरोना के 4000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। सऊदी वजारत सेहत का कहना है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस में मुबतला मजीद 3921 केसेस की तस्दीक हुई है। मजमूई तौर पर सऊदी अरब में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 1,19,942 तक पहुंच गई। वजारत सेहत की जानब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 36 अफराद हलाक हुए, जबकि इस वबाई मर से 1,010 अफराद गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सेहतयाब हुए हैं। वज़ारत सेहत के ट्विटर पर जारी इतलात के मुताबिक जुम्मा 12 मई को भी सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाज में सामने आए, जिनकी तादाद 1,584 थी, जबकि जद्दा में कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद 391, मक्कतुल मुकरमा में 197, अलहफूफ 192, अलखबर 176, मदीना मुनव्वरा 144, दम्माम 104, कतीफ 93, 93, अलदराइया 93, अलमबरज 84, ताइफ 83, जबकि जहरान 52, अलजुबेल 51, अलखरज 42, जबकि दीगर शहरों में कोरोना मुतासरीन की तादाद 40 और इससे कम रही। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना से मजमूई हलाकतों की तादाद 993 तक पहुंच चुकी है, जबकि इस वबाई मर्ज से सेहतयाब होने वाले 81,029 हैं। मौजूदा मरीजों में 38,020 में कोविड-19 वायरस एक्टिव है, जबकि 1,820 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई नगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। पर ये तो थी एक अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासर।